हमें लगे रहना होता है। जितना भी हम साफ़ करें उतना ये गंदा होते रहता है, और साफ़ रखने के लिए, सुंदर लगे रहने के लिए हमें हमेशा लगे रहना होता है। तो हमारे घर पे ऐसी दो चीज़ें हैं जिन्हें हमें दिन भर संवारना पड़ता है और बहुत जल्दी गंदी होती है। वो एक है हमारा सोफ़ा और दूसरा है हमारा बेड। और अगर घर पे छोटे बच्चे हो तो फिर बस। लेकिन आज फ्रेंड्स, अपने बेड को, बेड कवर को, बेडशीट को ज़्यादा दिनों तक सुंदर रखने की, साफ़ रखने का एक आइडिया मैं लाई हूँ, जो है स्मॉल रग या एक स्मॉल कारपेट जैसा, दरी जैसा, जिसे कि हम घर पे ही बना सकते हैं अपने। फ्रेंड, ये है मेरी पुरानी साड़ी, जिसे कि मैंने दो फोल्ड कर लिया है। और दो फोल्ड करने के बाद इसकी थिकनेस बड़ी नहीं अभी, इसीलिए मैं इसकी थिकनेस जो है बढ़ाने वाली हूँ। और इसके नीचे मैं अपना पुराना सोफ़ा कवर यूज़ करने वाली हूँ, और फिर लास्टली मैं इसके नीचे कोई लाइनिंग जैसा इसे कवर अप करने के लिए अपनी पुरानी बेडशीट यूज़ करने वाली हूँ। उसके पहले मैंने इस पे बॉक्सेस जैसे सिलाई कर ली है, क्योंकि मुझे इसको एक कारपेट जैसा डिफरेंट लुक देना था। और जो कि ये बहुत प्लेन है, कोई प्रिंट इसमें है नहीं, इसीलिए ये अभी बहुत ही अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं बॉक्सेस जैसी में। सो फ्रेंड्स, अब मैंने इसमें बिछा लिया है, ये वाइट वाला है मेरे सोफ़ा का पुराना कवर, जिसको कि मैं बीच में डालूँगी और इसकी थिकनेस बढ़ेगी। और लास्ट ये है मेरा पुराना बेडशीट, जिसे मैं कवर करने वाली हूँ इससे ढक के। और ये देखिए इसका लेंथ, ये इसकी लेंथ है। जितना लंबा मेरा बेड है उतना ही मैं इसे लंबा रखने वाली हूँ और इसे नीचे बिछाने वाली हूँ। तो अब मुझे इसे सिलाई करनी है। फाइनल लुक, अब मैंने इसे बिछा दिया है, देखिए मेरे बेड के साथ ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इसकी थिकनेस जो है इसको मैंने बढ़ा दी है, बेडशीट, और इसके अंदर मैंने लगा दिया है नेट वाला सोफ़ा का कवर, और जो कि मैंने इसे घर पर ही बनाया है, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। ये बिल्कुल रेडीमेड जैसा लुक दे रहा है, इसकी थिकनेस भी बहुत है। ये दूर से ही लग रहा है कि कितना स्पंजी स्पंजी है, जबकि मैंने इसमें कोई स्पंज या फाइबर जैसी कोई चीज़ नहीं डाली है। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही प्यारा स्मॉल कारपेट ये बन गया है, और इसमें इसे यूज़ करने में बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत ही फ्लफी है ये, गद्देदार जिसे हम कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये स्मॉल कारपेट वाला आइडिया अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए। और आप खुद भी घर पर ही बनाइए ऐसी दरी जैसी चीज़, किसी भी प्लेन कपड़े से, और अंदर कोई भी फ्लफीनेस वाला कपड़ा डालकर आप इसकी थिकनेस बढ़ाकर आप घर पे ही बना सकते हैं खूबसूरत सा दरी, और जिससे कि आपके बेड की खूबसूरती बनी रहेगी और आपको एक अंदर से सेटिस्फेक्शन लगेगा कि आपने अपने हाथों से इतनी अच्छी प्यारी चीज़ बनाई है। सो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए थैंक्स, और ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ। मैं रोज़ाना ऐसी वीडियोस के साथ, यूज़फुल वीडियोस के साथ आऊँगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, स्वस्थ रहिए।